नरेंद्र मोदी जी को मैंने एक खत लिखा है। अगर इस तरीके की घटना में लिप्त उनकी पार्टी के सदस्य को इस तरीके से स्कॉट फ्री जाने दिया जाता है, इससे ज्यादा बेइज्जती की बात कोई और हो नहीं सकती। 21 सितंबर को सदन में बसपा सांसद दानिश अली को भाजपा सांसद ने अपशब्द कहे, जिसके बाद भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी से भाजपा ने जवाब मांगा तो साथ ही साथ उन्हें राजस्थान में टोंक का प्रभारी भी बना दिया गया। वहीं लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा भी रमेश बिधूड़ी को चेतावनी दी गई, लेकिन रमेश बिधूड़ी पर सख्त कार्रवाई न होने पर इस बार बसपा सांसद दानिश अली भड़क गए। दानिश अली ने इस मामले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा कि G20 जैसे आयोजन देश में हुए और सभी राष्ट्राध्यक्षों को बापू की समाधि पर ले गए, लेकिन बापू के देश में ऐसी घटनाओं से हम क्या संदेश दे रहे हैं? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बनती है, जो 21 सितंबर को हुआ सदन के अंदर, और उसके 3 दिन पहले जब प्रधानमंत्री जी ने इस नए सदन को संबोधित करते हुए कहा कि देश की जनता यहां सदस्यों के आचरण से तय करेगी कि कौन किधर बैठेगा, और क्योंकि हम अमृत काल में हैं, ये सीरीज ऑफ इवेंट्स जो पिछले 1 महीने में हुए, G20 की सफलता, पूरा देश आपके साथ खड़ा था, वासुदेव कुटुंबकम का नारा हमने पूरी दुनिया को बताया, बापू की समाधि पर देश के दुनिया के सभी बड़े राष्ट्राध्यक्ष G20 के गए, लेकिन बापू के देश में जिस तरीके की लिंचिंग्स हो रही हैं, जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, उससे हम पूरी दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? इतना ही नहीं, दानिश अली ने आगे कहा कि हम खुद को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में भी इस मामले का जिक्र नहीं किया। ये हमारे देश के लिए बेइज्जती की बात है। फ्लोर पर 21 सितंबर को हुआ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभी तक उनकी चुप्पी इस मसले पर नहीं टूटी, ये बहुत ही दुर्भाग्य। वो छोटे छोटे से इश्यूज अपने चुनाव प्रचार में जो सूट करता है वो करते हैं, बोलते हैं। मन की बात उन्होंने की अभी पिछले संडे को, देश अपेक्षा कर रहा था कि वो इसका संज्ञान लेंगे। अगर इस तरीके की घटना में लिप्त उनकी पार्टी के सदस्य को इस तरीके से स्कॉट फ्री जाने दिया जाता है तो ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, आने वाली हमारी नस्लों के लिए, आने वाले वक्त में, फ्यूचर में हमारे पार्लियामेंट के डेकोरम के लिए, इससे ज्यादा बेइज्जती की बात कोई और हो नहीं सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।